अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लेक्चर नंबर 2 ऑफ सब्जेक्ट मैकेनिक्स 1। टुडे आवर टॉपिक इज बेसिकली सम फंडामेंटल डेफिनेशन। दीज आर बेसिकली द बेसिक डेफिनेशन दैट वी विल यूज थ्रू आउट दिस कोर्स। लेट्स स्टार्ट विद द लेक्चर। द फर्स्ट डेफिनेशन इज बेसिकली द पार्टिकल। अ वेरी रफ डेफिनेशन ऑफ पार्टिकल इज बेसिकली अ मैटर हैविंग अ डेफिनेट पोजिशन एंड नेग्लिजिबली स्मॉल डायमेंशन। मतलब अगर मैं इसको एक्सप्लेन करना चाहूँ तो वो कहता है कि हमारे पास एक ऐसा मैटर, एक ऐसी बॉडी कि जिसकी एक पॉइंट तो उसका फिक्स है, उसकी पोजिशन तो डेफिनेट है, उसकी पोजिशन एग्जिस्ट करती है, लेकिन उसकी जो डायमेंशन है वो इतनी स्मॉल है कि मैं उसको नेग्लेक्ट कर सकता हूँ। तो इस तरह का जो मैटर होगा, दिस मैटर इज बेसिकली अ पार्टिकल। अब अगर हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि किसी भी मैकेनिक्स की किसी भी डेफिनेशन को, किसी भी कॉन्सेप्ट को डील करने के लिए हमारे पास दो वेज हैं। द फर्स्ट वन इज बेसिकली द फिजिकल वे एंड द सेकंड वन इज बेसिकली द मैथमेटिकल वे। अगर मैं मैथमेटिकल वे में इस पार्टिकल को डिस्कस करूँ तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे एक प्लेन ड्रा करता हूँ एक्स और वाई एक्सिस की फॉर्म में, सॉरी लेट्स सपोज ये मेरे पास एक्स एक्सिस है, एक ये y एक्सिस। तो इस x और y एक्सिस में कोई भी एक पॉइंट लाइक दिस पॉइंट, ये पॉइंट, जब भी हम पॉइंट की डेफिनेशन करते हैं तो हम कहते हैं कि ऐसी थिंग, एक ऐसी ऑब्जेक्ट जो हमारे पास डायमेंशन लेस है। मतलब पॉइंट की कोई डायमेंशन नहीं होती, वन डायमेंशन, जैसे कि हमारे पास ऑब्जेक्ट्स होते हैं वन डायमेंशन, टू डायमेंशन, थ्री डायमेंशन, फोर डायमेंशन एंड इनफाइनाइट अप टू इनफाइनाइट डायमेंशन। तो जो हमारे पास पॉइंट होता है वो डायमेंशन लेस थी, ठीक है, एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसकी कोई डायमेंशन नहीं। तो अगर मैं पार्टिकल को मैथमेटिकल वे में डिस्कस करना चाहता हूँ तो जो मैथमेटिकल वे में ग्राफिकल एक पॉइंट होता है, दिस पॉइंट विल बी टेकन एज अ पार्टिकल। तो मैथमेटिकल वे में पार्टिकल को मैं एक पॉइंट के अकॉर्डिंग लूँगा, मैं इक्विवेलेंट रखूँगा कि एक पॉइंट और एक पार्टिकल मैथमेटिकल वे में आपस में इक्विवेलेंट होते हैं, सेम होते हैं। लेकिन ऑन द अदर हैंड फिजिकल वे में जो हमारे पास पार्टिकल की डेफिनेशन आती है वो कहता है कि हमारे पास एक ऐसी बॉडी, अ बॉडी विच इज वेरी स्मॉल, with respect to the distance or length involved। इट मीन्स वो डेफिनेशन में ये कहना चाह रहा है, वो कहता है अगर हमारे पास कोई मैकेनिकल वे में कोई फिजिकल फिनोमिना है, अगर उस फिजिकल फिनोमिना में हम डिस्टेंस या लेंथ को कंसिडर कर रहे हैं, हम डिस्टेंस या लेंथ को मैयर कर रहे हैं, ठीक है, मतलब दो बॉडीज के दरमियान हम डिस्टेंस या लेंथ को मैयर कर रहे हैं, वो कहता है कि वो ऑब्जेक्ट, वो बॉडी जो उस लेंथ के अकॉर्डिंग विद रिस्पेक्ट टू दैट लेंथ बहुत ही कोई स्मॉल चीज़ हो, देन दिस बॉडी विल बी द पार्टिकल। वी विल से दैट दिस बॉडी इज बेसिकली द पार्टिकल। लेट्स सी, इसकी एग्जाम्पल को मैं कुछ इस तरह से डिस्कस करूंगा। वो कहता है कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लूं कि हमारे पास अर्थ है, ठीक है, और इस अर्थ का मैंने डिस्टेंस मेजर करना है फ्रॉम सन। अब ऑब्वियस ही बात है, जो डिस्टेंस है अर्थ से लेकर सन तक का डिस्टेंस तो बहुत ज्यादा होगा ना, दैट डिस्टेंस। अब विथ रिस्पेक्ट टू दैट डिस्टेंस, ये तो मेरे ख्याल से कितने करोड़ किलोमीटर होगा, ठीक है, कितने बिलियंस होगा, कितने बिलियन किलोमीटर होगा, कितने बिलियन माइल्स होगा, ठीक है। अब इन डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में जो हमारे पास अर्थ का सर्कमफेरेंस है, जो अर्थ की हमारे पास टोटल मास है, वो बहुत ही कोई स्मॉल है।
तो इस पूरे फिनोमिना में, जिस फिनोमिना में मैं अर्थ से सन का डिस्टेंस फाइंड आउट कर रहा हूँ, इस पूरे फिनोमिना में आई विल से दैट दिस अर्थ इज बेसिकली द पार्टिकल। क्योंकि इस पूरे फिनोमिना में जो अर्थ है वो विद रिस्पेक्ट टू द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन वेरी स्मॉल, निग्लिजिबली स्मॉल। तो हम कहेंगे देन इन दिस फिनोमिना द अर्थ इज बेसिकली द पार्टिकल। सिमिलरली नेक्स्ट हम अगर लेके चले, मैं एक और एग्जाम्पल को यहां पे डिस्कस करूं, अगर दिस विल से दैट कि अगर हमारे पास एक पेंडोलम है लाइक दिस, पेंडोलम बिल्कुल उसी तरह जैसे हमने लास्ट में डिस्कस किया था कि हमारे पास एक बार है और वह किसी फिक्स पॉइंट के साथ हैंग कर रही है, आई एम सॉरी, तो ये हमारे पास कोई एक फिक्स्ड थिंग है, उसके साथ ये एक वायर या एक स्ट्रिंग अटैच है और उसके साथ एक बॉब अटैच है, लाइक ए पेंडोलम, पेंडोलम ऑफ द वॉल क्लॉक। ठीक है, अब ये पेंडोलम कभी इस साइड पे मूव कर रहा है, फिर यहाँ से वापसी पे इस साइड पे मूव कर रहा है, एंड सो ऑन, इसी तरह इसकी मोशन चल रही है। वो कहता है कि अब इस पूरे फिनोमिना में ये जो बॉल है, ये जो बॉब है, इसका जो हमारे पास इसकी मैटर है, इसका मास है, दिस मास इज निग्लिजिबली स्मॉल विद रिस्पेक्ट टू द लेंथ ऑफ दैट स्ट्रिंग। ऐसे ही है ना कि हमारे पास एक छोटा सा मैटर, छोटा सा मास हैंग कर रहा है उस इतनी लंबी स्ट्रिंग के साथ, अगर स्ट्रिंग लंबी है तो देन वी विल से दैट अकॉर्डिंग टू दैट लेंथ दिस मैटर दिस बॉब इज वेरी स्मॉल। तो इन दिस फिनोमिना वी विल से दैट दिस बॉब इज बेसिकली द पार्टिकल। तो पार्टिकल बेसिकली हमारे पास उस फिनोमिना के अकॉर्डिंग आएगा। ठीक है, अगर उस फिनोमिना में हम डिस्टेंस से लेंथ को कंसीडर कर रहे हैं, तो उस डिस्टेंस पर लेंथ के अकॉर्डिंग अगर उस बॉडी का जो मास है, उस बॉडी का जो सर्कमफेरेंस है, अगर वह बहुत ही कोई स्मॉल है, देन वी विल से दैट दिस ऑब्जेक्ट दिस बॉडी इज बेसिकली द पार्टिकल। नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन आती है रिजिड बॉडी। व्हाट इज रिजिड? द रिजिड बॉडी इज बेसिकली, इसकी एक प्रॉपर सी डेफिनेशन को डिस्कस करता है, वो कहता है द बॉडी विच नेवर चेंज इट्स साइज और शेप अंडर द एक्शन ऑफ एनी फोर्स। मतलब कि हमारे पास एक ऐसी बॉडी जिस पे कितनी ही फोर्सेज अप्लाई की जाएं, किसी भी साइड से फोर्स अप्लाई की जाएं, वो ना तो अपना साइज चेंज करें ना अपनी शेप चेंज करें। तो इस तरह की बॉडी को बेसिकली हम रिजिड बॉडी। लेकिन आप देखें कि इस पूरी की पूरी वर्ल्ड में कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट नहीं है कि जो रिजिड, मतलब कि जो एक रिजिड बॉडी का कॉन्सेप्ट है, ये एक आइडियल कॉन्सेप्ट है। जैसे कि हम कहते हैं ना कि हमारे पास इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी एग्जिस्ट तो नहीं करती लेकिन इन्फिनिटी का कॉन्सेप्ट है, और वो एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो आइडियल कॉन्सेप्ट है। सिमिलरली जो हमारे पास यहाँ पे रिजिड बॉडी, इस रिजिड बॉडी का जो कॉन्सेप्ट है वो बेसिकली एक आइडियल कॉन्सेप्ट है। आइडियल कॉन्सेप्ट मींस कि ये रियल लाइफ में एग्जिस्ट चीज़ें नहीं करती, ये चीज़ें सिर्फ हमारी इमेजिनेशन में हैं, ये चीज़ें हमारे कैलकुलेशन में, हमें मैथमेटिकल फिनोमिना में, हमें फिजिकल फिनोमिना में सहूलियात पैदा करती हैं, हमारे लिए ईजीनेस पैदा करती हैं, देन वो हम इन आइडियल चीज़ों को सपोज करते हैं, लेकिन रियल लाइफ में इस तरह की चीज़ें एग्जिस्ट नहीं करती। ये बिल्कुल इसी तरह से है कि जैसे हम कहें कि इस पूरी की पूरी दुनिया में कोई भी चीज़ प्रॉपर कंडक्टर नहीं है। कंडक्टर मीन्स कि ऐसी एक ऑब्जेक्ट जिसमें से करंट पास ऑन नहीं हो सकता। ठीक है, सॉरी, आई एम सॉरी, इस पूरी दुनिया में कोई भी चीज़ इंसुलेटर नहीं है, ऐसी चीज़ के जिसमें से करंट पास ऑन नहीं हो सकता। ठीक है, हर चीज़ में से करंट की थोड़ी सी थोड़ी क्वांटिटी, बिल्कुल इतनी छोटी क्वांटिटी को जो निग्लिजिबली स्मॉल हो लेकिन वो पास ऑन हो सकती है। इसी तरह से हम यहाँ पे कहते हैं कि जो रिजिड बॉडी का कॉन्सेप्ट है वो बेसिकली हमारे पास एक आइडियलाइज कॉन्सेप्ट है। बेसिकली जो रिजिड बॉडी है वो आइडियल ऑब्जेक्ट्स हैं। आइडियल ऑब्जेक्ट मीन्स कि ऐसे ऑब्जेक्ट जो इस रियल लाइफ में तो एग्जिस्ट नहीं करते, हाँ, लेकिन हम उनको इसीलिए यूज़ कर लेते हैं क्योंकि हम हमारे लिए बहुत सारे फिनोमिना में इजीनेस पैदा करते हैं। ओके, लेट्स गो टू द नेक्स्ट डेफिनेशन।
द नेक्स्ट डेफिनेशन बेसिकली द इवेंट. व्हाट इज इट? इवेंट का वर्ड सुन के हमारे माइंड में एक ऐसी डेफिनेशन देती है कि हमारे पास कोई भी अनयूजुअल हैपनिंग, एनी अनयूजुअल हैपनिंग इज बेसिकली द इवेंट. कि हमारे पास कोई भी चीज जो मामूल से हट के हो, दिस इज बेसिकली द इवेंट. लाइक हम कहते हैं कि हमारे पास फुटबॉल का मैच हो रहा है, दिस इज एन इवेंट. हम कहते हैं कि ट्रेन आ रही है, दिस इज एन इवेंट. तो कोई भी चीज जो कंटिन्यूस ना हो रही हो, यूजुअल ना हो रही हो, वो यूजुअल से हट के हो, अनयूजुअल हो, दिस इज बेसिकली द इवेंट. ये तो होगी हमारे पास एक वर्ड डेफिनेशन. लेकिन अब कहते हैं कि हमारे पास मैकेनिक्स में हम इवेंट्स को क्या कंसिडर करते हैं. वो कहता है कि एन इवेंट अकर ऑन अ मैथमेटिकल पॉइंट. कि जो हमारे पास इवेंट होता है ना, वो एक मैथमेटिकल पॉइंट पे एग्जिस्ट करता है, वो एक मैथमेटिकल पॉइंट पे अकर करता है, वो एक मैथमेटिकल पॉइंट पे परफॉर्म होता है. लाइक अगर मैं एक ग्राफ यहाँ पे ड्रा करूँ, ये हमारे पास एक ग्राफ है, ठीक है. मैं कंसिडर करता हूँ इसका जो एक्स एक्सिस है ना, इसके अकॉर्डिंग मैं ले लेता हूँ टाइम, कि टाइम पास ऑन हो रहा है, ठीक है. और यह जो वाई एक्सिस है, इसके अकॉर्डिंग हमारे पास कुछ एक्शन परफॉर्म हो रहा है. लाइक हम कह सकते हैं स्पीड है किसी भी बॉडी की, जो टाइम के अकॉर्डिंग इंक्रीज एंड डिक्रीज हो रही है, ठीक है. अब वो कहता है कि जब टाइम हमारे पास फॉर एग्जांपल 2 सेकंड था, ठीक है, तो यहाँ पे कोई पॉइंट बनेगा ना. लेट्स सपोज यहाँ पे पॉइंट बन गया, ठीक है. लाइक यहाँ पे हम वाई एक्सिस पे आए, यहाँ पे हम एक्स एक्सिस पे गए, तो ये हमारे पास पॉइंट आया. अब इस पॉइंट पे अगर मैं स्पीड को ही डिस्कस करूं, वेलोसिटी को ही डिस्कस करूं, तो इस पॉइंट पे किसी भी ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी होगी इस पॉइंट की, एग्जैक्ट इसी पॉइंट को, दिस इज वेरी बिग इवेंट. तो एक पॉइंट पे, एक स्पेसिफिक पॉइंट पे जो चीज अकर कर रही है, दिस इज बेसिकली द इवेंट, ठीक है. नाउ लुक एट दिस. अब इसको वो आगे थोड़ा सा और एक्सप्लेन करता है. वो कहता है इट इज नॉट अ सम, इट इज नॉट ऑफ सम ड्यूरेशन. कि ये जो जिसको मैं इवेंट कह रहा हूँ ना, ये कुछ ड्यूरेशन का नहीं होता. कि इवेंट को जो हम यहाँ पे हम मैकेनिक्स में यूज कर रहे हैं इवेंट की डेफिनेशन, मैं ये नहीं कह सकता कि यहाँ से लेकर इतने टाइम से लेकर इतने टाइम तक एक इवेंट ऑर्गेनाइज हुआ, एक इवेंट अकर हुआ. इवेंट हमेशा एक बिल्कुल ही स्मॉल टाइम ऑफ इंटरवल के लिए एग्जिस्ट करेगा. जिसको हम कहते हैं, अगर आपने डेफिनेशन पढ़ी हो डेरिवेटिव के, सुन के लगते थे इंस्टेंटेनियस रिएक्शन, इंस्टेंटेनियस चेंज, ठीक है. तो यहाँ पे भी हम बात कर रहे हैं कि जो हमारे पास इवेंट है वो बेसिकली एक ऐसा एक्ट है जो इंस्टेंटेनियस अकर करता है. इंस्टेंटेनियस मीन्स कि तो डिफरेंट पॉइंट पे तो अकर कर रहा है, लेकिन वो दोनों डिफरेंट पॉइंट इतने आपस में करीब हैं कि उनका जो आपस का डिस्टेंस है वो नेग्लिजिबल, ठीक है. अगर आपने डेरिवेटिव की डेफिनेशन पढ़ी हो तो आपको इस इंस्टेंटेनियस अकरेंस का वर्ड ज्यादा इजीली कंसेप्ट आपके माइंड में बन रहा होगा. कि हम कहते हैं कि इवेंट एक ऐसी अकरेंस है जो किसी भी पॉइंट पे किसी भी फिनोमिना में इंस्टेंटेनियसली अकर करती है, ठीक है. लाइक एक फिनोमिना है, उसमें दो पॉइंट्स हैं, लेट्स सपोज टाइम पास ऑन हो रहा है, ठीक है. दो डिफरेंट टाइम में, अब ऑब्वियसली बात है ना, कोई चीज परफॉर्म होनी है तो दो डिफरेंट पॉइंट टाइम पर परफॉर्म होनी है, ठीक है. लाइक अब वो कहता है कि इतनी, लेकिन वो जो दोनों पॉइंट्स हैं वो इतने आपस में करीब हैं कि उनके दरमियान का जो डिस्टेंस है वो नेग्लिजिबल स्मॉल है. तो हम इस तरह के जब दो पॉइंट्स पे एक कोई भी इवेंट अकर करता है जिनके जिन पॉइंट्स का डिस्टेंस आपस में नेग्लिजिबल स्मॉल है, हम कहते हैं दिस अकरेंस इज बेसिकली द इंस्टेंटेनियस अकरेंस, ठीक है. जैसे हम कहते हैं डेरिवेटिव में इंस्टेंटेनियस चेंज, कि एक बॉडी है, ठीक है, या एक ग्राफ है, वो उसकी जो ग्राफ है वो चेंज हो रहा है, ठीक है. उसकी जो इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग बिहेवियर है वो चेंज हो रहा है, लेकिन हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस चेंज. मतलब जो चेंजिंग है वो हमेशा दो पॉइंट्स के दरमियान आनी है ना, लेकिन वो चेंजिंग जिन दो पॉइंट के दरमियान आ रही है वो पॉइंट्स आपस में इतने करीब हैं कि उनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो नेग्लिजिबली. अब यहाँ पे भी हम कह रहे हैं कि इवेंट जो होता है वो किसी एक स्पेसिफिक टाइम ड्यूरेशन के लिए नहीं होता, वो बेसिकली हमारे पास एक दो पॉइंट्स के दरमियान एग्जिस्ट करता है इवेंट, लेकिन वो पॉइंट्स इतने स्मॉल होते हैं कि उनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो, सो दो पॉइंट्स इतने करीब होते हैं कि उनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो नेग्लिजिबली स्मॉल होता है. देन वी विल से दैट दिस इज बेसिकली द इवेंट. दैट्स इट. नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन आती है फ्रेम ऑफ रेफरेंस. What is frame of reference? The frame of reference is basically the fixed surrounding
विद रिस्पेक्ट टू एन इवेंट इज हैपनिंग। वो कहता है कि एक इवेंट हैपन हो रहा है, एक इवेंट अकर हो रहा है, वो जिस सराउंडिंग में इवेंट हो रहा है, दिस सराउंडिंग इज बेसिकली द फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऑफ दैट इवेंट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं कह रहा हूँ कि हमारे पास एक पार्टी का बंदा है, ठीक है, वो ट्रेन में खड़ा हुआ है, ठीक है। अब उसका अगर मैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस उस ट्रेन के अंदर रखूँ, वो ट्रेन के अंदर खड़ा है, अगर तो उसका मैं जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो उसकी सराउंडिंग को मैं ट्रेन ही कंसीडर करूँगा, ट्रेन के अंदर का जो पार्ट है, ट्रेन के अंदर का जो इन्वायरमेंट है, अगर उसकी सराउंडिंग कंसीडर करूँगा तो मैं ये कहूँगा कि वो बंदा अगर वो ट्रेन के अंदर खड़ा है तो वो रेस्ट पोजिशन में है। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर मैं ये कंसिडर करूँ कि उसका जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, उसकी जो सराउंडिंग है, वो ट्रेन नहीं है, वो बाहर का इन्वायरमेंट है, ट्रेन के बाहर का इन्वायरमेंट, और ट्रेन चल रही है, देन वी विल से दैट दिस मैन इज इन मोशन, कि वो बंदा मूव कर रहा है। तो वी कैन से दैट बाय चेंजिंग द फ्रेम ऑफ रेफरेंस फ्रेम ऑफ रेफरेंस द आउटपुट ऑफ इवेंट कुड बी चेंज्ड। इसके वो ये कहना चाह रहा है कि अगर आप फ्रेम ऑफ रेफरेंस को चेंज कर देंगे ना तो इवेंट्स भी फिर डिफरेंट तरह से बिहेव करेगा। फॉर एग्जांपल आप देख रहे हैं कि एक इवेंट है, अगर तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमारे पास उस ट्रेन के अंदर है तो उस ट्रेन के अंदर बैठे हुए बंदों के लिए वो आदमी जो है जो ट्रेन के अंदर खड़ा हुआ है वो रेस्ट पोजिशन में है, मतलब फ्रेम ऑफ रेफरेंस डिफरेंट था। लेकिन अगर उसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस को उठा के मैं ट्रेन के बाहर ले आऊँ तो अब जो इवेंट परफॉर्म हो रहा है वो उस इवेंट में वो जो बंदा है वो रेस्ट पोजिशन में नहीं है, वो मूव कर रहा है, वो मोशन में है। तो इसका मतलब ये हुआ बाय चेंजिंग द फ्रेम ऑफ रेफरेंस द आउटपुट ऑफ इवेंट्स कुड बी चेंज्ड। तो इवेंट का परफॉर्म होना, इवेंट का आउटपुट उसके फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे भी डिपेंड करता है। नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन है स्पेस। स्पेस बिल्कुल वही चीज है, द थ्री डायमेंशन, दिस इज थ्री डायमेंशन, द थ्री डायमेंशन इन विच वी आर लिविंग, द स्पेस इज इन विच वी आर लिविंग इज थ्री डायमेंशन। मतलब के जिस वर्ल्ड में हम रह रहे हैं एक थ्री डायमेंशनल थिंग है, एंड दिस थ्री डायमेंशनल थिंग इज बेसिकली द स्पेस। अब अगर मुझे इस स्पेस में कोई से दो पार्टिकल्स, कोई से दो ऑब्जेक्ट के दरमियान डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, या मुझे क्या करना है कि मेरे पास फॉर एग्जाम्पल दो वैक्टर्स हैं, ठीक है, अगर मुझे कुछ चीज़ें फाइंड आउट करनी है, फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे फाइंड आउट करना है डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स, या सेकेंड में मैं कह सकता हूँ फॉर एग्जाम्पल मुझे फाइंड आउट करना है एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, इस पूरे के पूरे सुनो, और इस तरह की जैसे कि मुझे कोई भी मुझे लेंथ फाइंड आउट करनी है, मुझे उसका डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, तो सारे के सारे सिनेरियो के लिए मैं क्या यूज़ करूँगा, मैं यूज़ करूँगा यूक्लिडियन ज्योमेट्री। कुछ लोगों का क्वेश्चन ये हो सकता है कि यूक्लिडियन ज्योमेट्री क्या है, यूक्लिडियन ज्योमेट्री बच्चे बेसिकली वही ज्योमेट्री है जो आप अभी तक डिस्कस करते आए हैं, कि आप कहते हैं कि हमारे पास अगर प्लेन है तो प्लेन में हमारे पास दो एक्सिस होंगे एक्स और वाई एक्सिस, तो इसी तरह अगर हमारे पास स्पेस है तो उसमें हमारे पास तीन एक्सिस होंगे एक्स वाई और जी एक्सिस, और इसी तरह अगर मुझे स्पेस को यूक्लिडियन ज्योमेट्री में ड्रा करना हो तो मैं कुछ इस तरह से ड्रा करूँगा कि ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये हमारे पास वाई एक्सिस है, और ये हमारे पास z-axis, that's what this is basically the x-axis, you can say that this is y-axis, किसी को भी कह सकते हैं।
ठीक है, फिर दिस इज द जी एक्सिस, ठीक है। एक्स आप इसमें चेंज वर्ड ले सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप इसको वाई ले लें या इसको एक्स ले लें, इट्स अप टू यू, ये कोई डिफरेंट चीज़ नहीं। तो दिस इज बेसिकली द स्पेस, ठीक है। और अगर मुझे स्पेस के अंदर कोई पॉइंट्स को डिस्कस करना है तो मैं इस पूरी की पूरी स्पेस लूँगा और उसके दरमियान जैसे कि मुझे डिस्टेंस फार्मूला होता है या मेरे पास एंगल फाइंड करने के लिए हम फार्मूला यूज़ करते हैं, हम वही वाले फार्मूलाज यहाँ पे यूज़ करते हुए इस यूक्लिडियन ज्योमेट्री को यूज़ करते हुए एंगल्स और ऑब्जेक्ट्स के दरमियान डिस्टेंस को या उनकी लेंथ को उनकी पोजिशन को फाइंड आउट करेंगे। दैट्स इट, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास बड़ी इंटरेस्टिंग सी डेफिनेशन है फोर्स। अब अगर हमारे पास कोई भी बच्चे पार्टिकल है ना, अब उसकी दो पोजीशन हो सकती हैं, कि या तो वो रेस्ट में होगा या वो मूव मोशन में होगा, वो मूव कर रहा है। अब किसी भी पार्टिकल के रेस्ट में होना या उसका मोशन करना, ये चीज को वो इम्फसाइज करता है कि इस दुनिया में उस पार्टिकल के अलावा भी चीजें एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है। मैं दोबारा रिपीट करूंगा अपने अल्फाज को, यहां पे मैं ये कहना चाह रहा हूं कि फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई पार्टिकल नजर आता है और वो पार्टिकल रेस्ट में, ठीक है, या वो पार्टिकल मूव कर रहा है, तो ये चीज इस बात को इम्फसाइज करती है कि इस पूरी दुनिया में उस पार्टिकल के अलावा भी चीजें एग्जिस्ट करती हैं। मतलब कि आप ये कह सकते हैं कि अगर एक आदमी है वो आंखें बंद कर रहा है, ठीक है, उसको ये बताया जाए कि आपके सामने एक ऑब्जेक्ट है और वो ऑब्जेक्ट यहाँ तो रेस्ट में है, तो वो उस ऑब्जेक्ट की इस उसकी इस वर्डिंग को सुन के कि वो ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, वो इस बात को आगे इम्प्लाई कर सकता है, इस बात को वो आगे आर्गुमेंट कर सकता है कि चूंकि ये पार्टिकल रेस्ट में है तो ये चीज़ इस बात का सबूत देती है कि इस पार्टिकल के अलावा भी इस दुनिया में चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं। अब क्वेश्चन है हाउ, वो किस तरह से बता सकता है कि एक पार्टिकल के रेस्ट में होने से हमें कैसे पता चलेगा कि इसके अलावा भी दुनिया में चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि मेरे पास एक टेबल है, एग्जाम्पल में हम कहते हैं मेरे पास एक टेबल है, रेस्ट की बात करते हैं, मेरे पास जो टेबल है वो टेबल एक रेस्ट पोजिशन में है। अब अगर वो रेस्ट पोजीशन में है, वो ज़मीन के ऊपर पड़ा हुआ है, वो किसी चीज़ मतलब कि उस कुछ चीज़ नीचे पड़ा हुआ है, अब इसका मतलब है कोई चीज़ तो ऐसी ज़रूर है ना जिसने उसको नीचे खींचा हुआ है, ठीक है, कोई चीज़ तो ऐसी है ना कि जिसकी वजह से वो एक ग्राउंड पे पड़ा हुआ है, मतलब कि जिसकी वजह से वो नीचे है, वो ऊपर को नहीं जा रहा, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ जिसने उसको नीचे की तरफ खींचा हुआ है, कोई ऐसी चीज़ एग्जिस्ट करती है, और वो जो नीचे जो चीज़ एग्जिस्ट कर रही है, दिस थिंग इज़ बेसिकली द ग्राउंड, यू कैन से दैट दिस इज बेसिकली द ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशन। सॉरी ग्रेविटी, यू कैन से द ग्रेविटी। अब ग्रेविटी है वो ग्राउंड की वजह से लग रही है, तो इसका मतलब है उस टेबल के अलावा इस दुनिया में एक और चीज एग्जिस्ट करती है जिसको मैं ग्राउंड कह। सिमिलर, अब अगर मैं ये अज्यूम कर लेता हूं कि वो जो भी टेबल है वो मूव कर रहा है, मोशन की एग्जांपल पे आ जाते हैं, मैं कहता हूं कि वो जो टेबल है ना वो टेबल मूव कर रहा है, फिर मुझे कैसे पता चलेगा कि अगर वो टेबल मूव कर रहा है तो ये चीज इस बात का कैसे सबूत देती है, कैसे प्रूफ देती है कि इस टेबल के अलावा इस दुनिया में चीजें एग्जिस्ट करती हैं। अब ऑब्वियस सी बात है, अगर एक टेबल मूव कर रहा है तो कोई चीज तो ऐसी है ना जो उसकी मोशन में उसको मदद दे रही है, कोई चीज तो ऐसी है ना जिसने उस पर फोर्स लगाई है, ठीक है, कोई चीज़ तो ऐसी है ना जो उसको धकेल रही है, जो उसको खींच रही है, ठीक है। अब ऑब्वियस सी बात है वो कोई ह्यूमन बीइंग हो सकता है, वो कोई हमारे पास पुल की फोर्स हो सकती है, वो कोई हमारे पास रिपल्सिव फोर्स हो सकती है, कोई भी फोर्स हो सकती है, लेकिन जो फोर्स लग रही है वो किसी ऑब्जेक्ट से लग रही है ना। लाइक मैं कह सकता हूँ कि मेरे पास जो टेबल है, ठीक है ना, वो मेरे पास फॉर एग्जाम्पल आप कह सकते हैं वो आयरन का है, ठीक है, और वो पार्टिकल को खींच रहा है, इसका मतलब है कोई मेरे पास मैग्नेटिक फोर्स है जो उसको अपनी तरफ खींच रही है, जिसकी वजह से वो जो टेबल है मेरे पास आयरन का टेबल है वो मूव कर रहा है, तो उसकी मोशन ये बताती है कि कोई ऐसी चीज़ है जो उसको अपनी तरफ से खींच रही है, जो उसको दूसरी तरफ धकेल रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो कोई भी मैग्नेट हो सकता है, कोई भी चीज़ हो सकती है वो, लेकिन वो कोई टेबल के अलावा चीज़ है जो उसको अपनी तरफ खींच रही है या उसको दूर धकेल रही है, जिसकी वजह से वो जो टेबल है
वो मोशन की हालत में। तो इसका मतलब ये हुआ कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ तो बॉडी रेस्ट में हो या बॉडी मूव कर दो, दोनों सूरतों में मुझे इस बात की गारंटी होती है, मुझे इस बात की श्योरिटी मिलती है कि दोनों सूरतों में उस बॉडी के अलावा इस पूरी कायनात में, इस पूरी दुनिया में उस चीज़ के अलावा भी चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं। इस पूरी कायनात में कभी ऐसा नहीं हो सकता था, कभी मैं कहता हूँ लाइफ ही कोई चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती थी अगर सिर्फ सिंगल चीज़ बना दी। ठीक है, लाइक आप कहते हैं कि इस पूरी कायनात में अल्लाह ताला अर्थ बना देता तो वो अर्थ कभी सर्वाइव ही नहीं कर सकती। ठीक है, तो वो अकेली चीज़ कभी भी सर्वाइव नहीं करेगी। ठीक है, इस पूरी कायनात में किसी भी चीज़ के स्टैटिक या उसके डायनेमिक होने का प्रूव ये है, उसका स्टैटिक या उसका डायनेमिक होना इस बात का प्रूव है कि इस पूरी कायनात में उस चीज़ के अलावा भी दूसरी चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं। ओके, नेक्स्ट हम फोर्स की प्रॉपर सी डेफिनेशन कहते हैं कि फोर्स की डेफिनेशन क्या है। वो कहता है फोर्स इज डिफाइंड एज दैट चेंजेस और टेंड्स टू चेंज द स्टेटस ऑफ रेस्ट और मोशन ऑफ अ बॉडी। वो कहता है कि हमारे पास फोर्स एक ऐसी चीज़ है जो या तो किसी भी पार्टिकल की, किसी भी बॉडी की रेस्ट या मोशन, मूविंग बॉडी को, उसकी मोशन की स्टेटस को चेंज कर देती है। ठीक है, या उसको चेंज करने की कोशिश करती है। ठीक है, चेंज करना तो ऐसे है, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक गाड़ी आ रही है, आप उस पर फोर्स लगा के उसको स्टॉप कर देते, इसका मतलब है फोर्स, आपने उस पर फोर्स लगाई, आपने उसकी मोशन को स्टैटिक में कन्वर्ट किया। सिमिलरली आपके पास एक गाड़ी थी, वो खड़ी थी, आपने उसको धक्का लगाया, वो उसकी मोशन स्टार्ट हो गई, मूव करना स्टार्ट करी, इसका मतलब है आपने उसको मोशन स्टैटिक से डायनामिक में ले आया, आपने उसको रेस्ट पोजीशन से मोशन के पोजीशन में ला दिया, आपने उसका स्टेटस रेस्ट से मोशन में चेंज कर दिया। ठीक है, ये तो हो गया, आपने चेंज कर दिया। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टेंड्स टू चेंज, कि वो चेंज करने की कोशिश करती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपके पास दीवार है, आप उस पर फोर्स लगाते, वो दीवार मूव नहीं करती, आपकी फोर्स लग रही है, आपकी फोर्स उस दीवार को की पोजीशन को चेंज करना चाह रही है, लेकिन आपकी फोर्स कम है जो उसको चेंज नहीं कर सकती। तो इसका मतलब है फोर्स वो चीज़ है जो या तो उस पोजीशन को, उसकी रेस्ट और मोशन की पोजीशन को या तो चेंज कर देगा या उसको चेंज करने की कोशिश करेगा। दोनों सूरतों में जो भी हमारे पास चीज़ है, दिस इज बेसिकली द फोर्स। नेक्स्ट अगर हम चलें, वो कहता है कि जो हमारे पास फोर्स है ना, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स इज बेसिकली द वेक्टर क्वांटिटी। अब अगर एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इस वेक्टर क्वांटिटी को डिस्क्राइब करने के लिए मुझे तीन चीज़ें चाहिए। ठीक है, मतलब अगर मुझे बताना है ना कि फॉर एग्जाम्पल किसी भी पार्टिकल पर कोई फोर्स अप्लाई हो रही है, तो मैं तीन चीज़ों से उस फोर्स को डिस्क्राइब कर सकता हूँ। द फर्स्ट वन इज बेसिकली द मैग्नीट्यूड, कि वो जो फोर्स अप्लाई हो रही है वो कितनी फोर्स, उसका मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड मीन्स कि हमारे पास मैं कितनी फोर्स अप्लाई करूँ। सेकेंड ऑफ ऑल मुझे ये बताना पड़ेगा कि वो फोर्स किस डायरेक्शन में अप्लाई हो रही है, मुझे उसकी डायरेक्शन भी बतानी पड़ेगी। ठीक है, और थर्ड ऑफ ऑल मुझे ये बताना पड़ेगा पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, कि वो जो फोर्स है वो किस पॉइंट पे अप्लाई हो रही है। बिल्कुल इसी तरह से कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ग्राफ के तौर पर अगर इसको कंसिडर करूँ, तो वो कहता है कि फॉर एग्जांपल मेरे पास एक पार्टिकल है लाइक दिस। ठीक है, मुझे बताना पड़ेगा कि इस पार्टिकल पे जो मेरे पास वेक्टर की जितनी लेंथ होगी ना, बेसिकली उस फोर्स की डायरेक्शन को शो करे, उस फोर्स की मैग्नीट्यूड को शो करेगा। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि मेरे पास इतनी फोर्स, ठीक है, मुझे बताना पड़ेगा कि इस जो वेक्टर है, मैथमेटिकल वे में डिस्क्राइब कर रहा हूँ कि इस जो वेक्टर है इसकी लेंथ कितनी है, ये बेसिकली इसकी लेंथ शो करेगी कि उसका मैग्नीट्यूड क्या। ऑन द अदर हैंड मुझे इस एरो की डायरेक्शन को बताना पड़ेगा कि इस एरो की डायरेक्शन किस साइड पे, इस एरो की डायरेक्शन शो करेगी कि मेरे पास जो फोर्स है वो किस डायरेक्शन में अप्लाई हो रही है। ठीक है, और थर्ड चीज़ मुझे पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन बताना पड़ेगा, किस पॉइंट पे ये जो पॉइंट है, किस पॉइंट पे वो फोर्स अप्लाई कर रहा है। अगर मैं तीन चीज़ें बता दूँ तो मुझे उस फोर्स के बारे में सारा का सारा नॉलेज समराइज हो जाएगा कि वो फोर्स की कितनी फोर्स अप्लाई हो रही है, किस जगह पे अप्लाई हो रही है और किस सिमत में अप्लाई हो रही है। तो एक फोर्स को डिस्क्राइब करने के लिए मुझे तीन चीज़ें जाननी होंगी, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन एंड पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। दैट्स इट, आगे बढ़ते हैं। दिस इज बेसिकली द लाइन ऑफ एक्शन, कि लाइन ऑफ एक्शन क्या होता है। वो कहता है कि फॉर एग्जांपल हम कंसीडर ये कर लेते हैं कि हमारे पास कोई भी एक फोर्स है वो किसी भी एक पार्टिकल पे अप्लाई हो रही है। फिर हम इसकी मैथमेटिकल से डेफिनेशन देख लेते हैं।
फिर इसकी बड़ी डेफिनेशन पढ़ते हैं। वो कहता है कि फॉर एग्जांपल हमारे पास एक ये एक ऑब्जेक्ट है या ये एक हमारे पास पार्टिकल है, ठीक है, इस पे ये फोर्स अप्लाई हो रही है इस डायरेक्शन में, लेट्स इस पॉइंट पे वो फोर्स अप्लाई हो रही है इस डायरेक्शन। वो कहता है अल्ला लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइंग फोर्स, वो कहता है इस पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन में से गुजरने वाली लाइन जो कि फोर्स की डायरेक्शन में मूव करे, मतलब ये वाली लाइन जो फोर्स की डायरेक्शन में मूव कर रही है और उस पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन में से पास ऑन हो रही है, दिस लाइन इज बेसिकली द लाइन ऑफ एक्शन, बेसिकली द लाइन ऑफ एक्शन इज बेसिकली द लाइन दैट पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइंग फोर्स, के जिस डायरेक्शन में वो फोर्स अप्लाई हो रही है उस डायरेक्शन में अगर मैं पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन में से कोई लाइन पास ऑन हो, दिस लाइन इज बेसिकली द लाइन ऑफ एक्शन। ओके, दिस इज द लाइन ऑफ एक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेक्स्ट एंड द लास्ट डेफिनेशन बेसिकली द सिस्टम ऑफ फोर्सेस। हम बात ये करते हैं कि हमारे पास फॉर एग्जाम्पल कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इस फोर्स में मैं कह देता हूँ कि हमारे पास हजारों फोर्सेज अप्लाई हो रही है, ये फोर्स अप्लाई हो रही है, इस साइड पे फोर्स अप्लाई हो रही है, डिफरेंट मैग्नीट्यूड्स की डिफरेंट डायरेक्शन से फोर्सेज अप्लाई हो रही है, लाइक ये फोर्स अप्लाई हो रही है, ये फोर्स अप्लाई हो रही है। वो कहता है जितनी भी फोर्सेस एक पॉइंट पे, ठीक है, लाइक कह सकता हूँ कि फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि ये सारी की सारी फोर्सेस इस एक पॉइंट पे अप्लाई हो रही है, लाइक मैं अगर इसको थोड़ा सा और ब्रीफ करूँ तो मैं इसको ऑब्जेक्ट नहीं, मैं इसको पॉइंट ले लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ ये पॉइंट है, इस पॉइंट पे एक फोर्स यहाँ पे अप्लाई हो रही है, ठीक है, एक फोर्स यहाँ से अप्लाई हो रही है, एक फोर्स यहाँ से अप्लाई हो रही है, एक फोर्स इस साइड से अप्लाई हो रही है, एक पॉइंट पे अप्लाई होने वाली सारी की सारी फोर्सेस, ठीक है, अगर मैं उनको कलेक्ट कर लूँ, ठीक है, मैं कहता हूँ कि ये मेरे पास फॉर एग्जांपल ये कह देता हूँ कि ये मेरे पास F1 फोर्स है, ये F2 फोर्स है, लाइक दिस, ये F1 फोर्स है, ये F2 फोर्स है, ये F3 फोर्स है, ये F4 फोर्स है, ये F5 फोर्स है। वो कहता है कि सारी के सारी फोर्सेस को मैं अगर कलेक्ट कर लूँ, F1 F2 F3 F4 F5, तो ये सारी की सारी जो फोर्सेस की कलेक्शन है, दिस कलेक्शन इज बेसिकली द सिस्टम ऑफ फोर्सेस। वी कैन से दैट द कलेक्शन ऑफ ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ सिंगल पॉइंट, या यू कैन से दैट हैविंग द सेम पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, जो एक स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन में अप्लाई हो रही है, this overall collection of forces basically the system of forces, that's it. Next हमारे पास है equivalence system of forces, कि दो forces मेरे पास, दो system of forces हैं, उन दो system of forces को मैं आपस में equivalent किस को करता हूँ, ठीक है। वो कहता है कि two system of forces are equivalent, दो system of forces उस वक़्त equivalent होंगे If one can be changed with other, अगर मैं एक सिस्टम को दूसरे सिस्टम से चेंज कर दूं without affecting the status of rest or motion of body, वो कहता है कि फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास एक बॉडी है, ठीक है, उस पे यानी कह सकता हूँ एक पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है, ठीक है ना, या बाई बॉडी को हम बॉडी को डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल वो कहता है कि हमारे पास एक बॉडी है, इस बॉडी पे कुछ फोर्सेस अप्लाई हो रही हैं, ठीक है, एक पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन के ऊपर, ठीक है। वो कहता है अगर इन सारी की सारी फोर्सेस को मैं, लेट्स सपोज मेरे पास ये तीन फोर्सेस हैं, ठीक है, और बॉडी अभी रेस्ट में, ठीक है, वो कहता है कि अगर इस सारी की सारी फोर्सेस को मैं किसी और फोर्सेस के साथ रिप्लेस कर दो, लाइक मेरे पास ये रेड वाली फोर्स ब्लू वाली फोर्सेस थी ना, अगर मैं इन सारी के सारी फोर्सेस को किसी और फोर्सेस के साथ रिप्लेस कर दूँ, लाइक उन ब्लू की जगह मैं कुछ रेड फोर्सेस लगा दूँ, बेशक वो तीन थी, लाइक मैं अभी चार फोर्सेस लगा देता हूँ, ठीक है, लेकिन
अगर ये पहले जो मेरे पास ये बॉक्स था पहले भी रेस्ट में था और अभी भी रेस्ट में है, मतलब कि उन दोनों फोर्सेस को जो मेरे पास ब्लू वाली फोर्सेस थी उनको रेड वाली फोर्सेस के साथ इंटरचेंज करने से मेरे पास इस बॉक्स की पोजीशन में रेस्ट पोजीशन में कोई फर्क नहीं आया, देन वी विल से दैट कि हमारे पास वो जो ब्लू वाली फोर्सेस थी और ये जो रेड वाली फोर्सेस हैं ये दोनों सिस्टम ऑफ फोर्सेस आपस में इक्विवेलेंट है, दैट्स इट। तो ये हमारे पास डेफिनेशन आती है। सिमिलरली अगर हमारे पास कोई भी बॉडी मूव कर रही है अंडर द एक्शन ऑफ अ सिस्टम ऑफ फोर्सेस और आप उस सिस्टम ऑफ फोर्सेस को किसी दूसरे सिस्टम ऑफ फोर्सेस से चेंज कर देते हैं और उस बॉडी की मोशन में या उसकी वेलोसिटी में कोई डिफरेंस नहीं आता, मतलब फॉर एग्जाम्पल उसकी स्पीड में कोई फर्क नहीं आता, अगर एक गाड़ी है वो 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेवल कर रही है, ठीक है ना, आप उसको धक्का लगा रहे हैं वो 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेवल कर रही है, वो मूव कर रही है, और आप फॉर एग्जाम्पल उसकी फॉर एग्जाम्पल कहता हूँ कि आप गाड़ी को धक्का लगा रहे हैं, ठीक है, वो गाड़ी मूव कर रही है 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ठीक है, आपकी जगह कोई और पर्सन आ जाता है वो उस गाड़ी को धक्का लगाना स्टार्ट कर देता है, ठीक है, और अब भी वो जो गाड़ी है वो उसकी मोशन वैसी रहती है 90 किलोमीटर पर आवर, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपकी और उस बंदे की फोर्सेस आपस में इक्विवेलेंट। दिस इज बेसिकली द बेसिक कंसेप्ट ऑफ इक्विवेलेंट सिस्टम ऑफ फोर्सेस, दैट्स इट। सो आज बेसिकली हमने देखा, हमने कुछ डेफिनेशन देखी, हमने देखा कि हमारे पास पार्टिकल क्या होता है, हमने कहा कि पार्टिकल बेसिकली एक ऐसा ऑब्जेक्ट है कि जिसकी एक डेफिनेट पोजिशन तो होती है लेकिन उसकी जो डायमेंशन है ना वो नेग्लिजिबल। उसके बाद हमने कहा अगर मैं मैथमेटिकल वे में देखूँ तो पार्टिकल हमारे पास बेसिकली एक पॉइंट होता है, ग्राफिकल पॉइंट जो होता है उसको हम मैथमेटिकल वे में जिसको हम एक पॉइंट कहते हैं वो बेसिकली उसको अगर पार्टिकल कंसीडर करते हैं। और हम फिजिकल वे में हमने देखा कि हमने कहा कि हमारे पास कोई भी ऐसी बॉडी दैट इज वेरी स्मॉल विथ रिस्पेक्ट टू द डिस्टेंस और लेंथ विच इज इन्वॉल्व इन दैट फिनोमिना, ठीक है, तो अगर हमारे पास कोई भी बॉडी एक फिनोमिना के अंदर पड़ी है और उस बॉडी का जो हमारे पास मास है या उसका सर्कमफेरेंस है वो उस फिनोमिना के अंदर जो एक लेंथ या डिस्टेंस इन्वॉल्व है उस लेंथ के अकॉर्डिंग उस बॉडी की जो मास है वो बहुत स्मॉल है, देन वी विल से दैट दिस बॉडी इज बेसिकली द पार्टिकल, ओके। उसके बाद हमने देखा कि हमने कहा कि रिजिड बॉडी क्या होती है, हमने कहा कि रिजिड बॉडी एक ऐसी बॉडी होती है कि जो हमारे पास अपनी जिस पर जितनी भी फोर्सेज अप्लाई हों लेकिन वो अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करती, ना अपनी शेप को, सॉरी अपनी पोजीशन कह दिया, अपनी शेप को चेंज नहीं करती, ना अपनी शेप को चेंज करती है ना अपने साइज को चेंज करती है। तो एक ऐसी बॉडी जो ना किसी भी फोर्स के अंडर एक्शन ऑफ अंडर द एक्शन ऑफ एनी फोर्स ना तो अपनी वो साइज को चेंज करे ना अपनी शेप को चेंज करे, दिस बॉडी इज बेसिकली द रिजिड बॉडी। और हमने कहा था कि हमारे पास इस पूरी दुनिया में रिजिड बॉडी एग्जिस्ट नहीं करती, ये एक हमारे पास नेचुरल कॉन्सेप्ट। उसके बाद हमने इवेंट की डेफिनेशन की, हमने कहा हमारे पास इवेंट बेसिकली हमारे पास एक ऐसी अक्रंस है जो एक मैथमेटिकल अगर वे में देखो तो एक पॉइंट पे अक्रंस, ठीक है, मतलब जो हमारे पास जो इवेंट होता है वो एक टाइम ड्यूरेशन में नहीं होता, लाइक मैं ये नहीं कह सकता कि ये एक इवेंट एक बेसिकली ऐसी चीज़ है जो 5 सेकंड के अंदर अकर हो, नहीं, इवेंट बेसिकली एक ऐसी चीज़ है जो इंस्टेंटेनियसली अकर हो जाती है, मतलब फौरन से अकर हो जाती है, लाइक मैं कह सकता हूँ कि हमारे पास एक, अगर मैं कहूँ ना कि एक पॉइंट पे अकर कर रहे हैं तो वही हमारे पास इवेंट है, लाइक मैं कहता हूँ कि हमारे पास लाइक हम कह सकते हैं कि दो डिफरेंट पॉइंट पे अकर कर रही है, दो डिफरेंट टाइम अकर कर रही है, एक टाइम है 0.9999999 सेकंड और दूसरा पॉइंट है 2 सेकंड, 1.99999 और 2 सेकंड के इन बिटवीन जो काम हो गया है ना, दिस इज बेसिकली दैट, मतलब कि 1.9999 और 2 सेकंड इसके दरमियान जो काम हो गया है, इस टाइम इंटरवल के दरमियान जो काम हो गया है, दिस इज बेसिकली द इवेंट। और वो जो दो पॉइंट्स हैं इनके दरमियान जो काम हुआ है वी विल से दैट दिस इज द इंस्टेंटेनियस अकरेंस, ओके। नेक्स्ट हमने देखा कि हमारे पास फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, हमने कहा कि जिस भी सराउंडिंग में हमारे पास कोई इवेंट अकर कर रहा है उसकी जो सराउंडिंग है जिसके रिस्पेक्ट से हम इवेंट को ले रहे हैं, दिस इज बेसिकली द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और बाद में हमने देखा कि अगर मैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस को चेंज कर दूँ तो उस इवेंट्स की आउटकम भी चेंज हो सकती है। उसके लिए हमने ट्रेन की एग्जाम्पल देखी कि अगर एक बंदा ट्रेन के अंदर खड़ा है तो ट्रेन के जो अंदर बंदे बैठे हैं उनके लिए वो बंदा हमारे पास वो पर्सन वो पीपल जो अंदर लोग बैठे हैं उनके लिए वो पर्सन एक रेस्ट पोजीशन है, लेकिन जो वही लोग
अगर कुछ लोग ट्रेन के बाहर खड़े हैं तो उन लोगों के लिए वही पर्सन मोशन में अगर ट्रेन चल रही है। उसके बाद हमने देखा कि स्पेस बेसिकली हमारे पास एक थ्री डायमेंशनल चीज़ है जिसमें हम रह रहे हैं, और इस थ्री डायमेंशनल चीज़ में अगर हमने दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस को फाइंड आउट करना हो, तो वेक्टर्स के दरमियान एंगल को फाइंड आउट करना हो, या ओरिजिन से लेकर किसी भी पॉइंट तक किसी भी पार्टिकल का डिस्टेंस फाइंड आउट करना हो, तो हम यूक्लिडियन ज्योमेट्री को यूज़ करते हैं। उसके बाद हमने स्टेट फोर्स को देखा। फोर्स को डिस्कस करने से पहले हमने कहा कि हमारे पास अगर कोई भी चीज़ रेस्ट में है या मोशन में है, तो उसका रेस्ट में या मोशन में होना इस चीज़ का सबूत है कि इस दुनिया में उस चीज़ के अलावा भी दूसरी चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, और हमने इसको ब्रीफली वहाँ पे डिस्कस किया। नेक्स्ट हमने देखा कि हमारे पास जो फोर्स है ना, वो बेसिकली हमारे पास एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसी क्वांटिटी है जो या तो किसी भी पार्टिकल की पोजीशन को, रेस्ट पोजीशन को, या मोशन की पोजीशन को, मोशन के स्टेटस को या तो चेंज करती है या चेंज करने की कोशिश करती है। हमने डेफिनेशन देखी थी, हमने कहा था फोर्स इज बेसिकली द क्वांटिटी विच चेंज और टेंड टू चेंज द स्टेटस ऑफ रेस्ट और मोशन ऑफ अ बॉडी, ठीक है, जो या तो चेंज कर दे या चेंज करने की कोशिश करती है। उसके बाद हमने देखा कि हमारे पास जो फोर्स है ना, वो बेसिकली उस वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, और उसको डिस्क्राइब करने के लिए हमें तीन चीज़ चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें मैग्नीट्यूड चाहिए कि वो कितनी फोर्स अप्लाई कर, सेकेंड ऑफ ऑल हमें चाहिए कि किस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई हो रही है, और थर्ड ऑफ चाहिए हमें पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन के किस पॉइंट पर फोर्स अप्लाई हो रही है। उसके बाद हमने देखा कि हमारे पास वो लाइन जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन में से पास ऑन हो और उस डायरेक्शन में ट्रेवल करे कि जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है, दिस पॉइंट दिस लाइन इज बेसिकली द लाइन ऑफ एक्शन। और हमने आखिर पे हमने कहा कि हमारे पास अगर किसी भी एक पॉइंट पे कुछ फोर्सेस लग रही हैं, किसी भी एक बॉडी पे कुछ फोर्सेस लग रही हैं, ठीक है, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन तो हमने वहाँ पे एक ऐसा बॉडी कंसिडर कर लिया था, वो कहता है अगर किसी भी बॉडी पे कुछ फोर्स या किसी भी पॉइंट पे कुछ फोर्सेस लग रही हैं, तो उन पॉइंट्स को अगर मैं कोलेक्ट कर लूँ, तो दिस तो अगर उन सारी फोर्सेस को कोलेक्ट कर लूँ, देन दिस कलेक्शन इज बेसिकली द सिस्टम ऑफ फोर्स। और हमने लास्ट पे हमने डिस्कस किया द इक्विवेलेंट सिस्टम ऑफ फोर्स। हमने कहा कि दो सिस्टम ऑफ फोर्सेस आपस में इक्विवेलेंट होंगे, अगर मैं एक सिस्टम ऑफ फोर्सेस को दूसरे सिस्टम ऑफ फोर्सेस से रिप्लेस कर दूँ, लेकिन उस रिप्लेसमेंट से उस बॉडी की मोशन पे या उसकी रेस्ट पोजिशन पे कोई इफेक्ट ना आए, देन वी विल से दैट दिस बोथ सिस्टम आर इक्विवेलेंट। सो दिस इज द एंड ऑफ लेक्चर एंड दिस इज द समरी ऑफ लेक्चर। सो थैंक यू सो मच बच्चे। अल्लाह हाफिज़।